أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم صلوات محمد عزیزان گرامی برادران انسانی اور مسلمانان حسینی قرآن حکیم کی آیت کریمہ آیت الکرسی سید الآیات اس کے پہلے ہی فقرے میں جو اسم گرامی حق سبحانہ و تعالی ہے الحی القیوم اس اسم گرامی کے ذیل میں اس کی روشنی میں نظام حق اور قیام حسین اس عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آپ کے سامنے میں نے گزارش کرنے کی کوشش کی کہ نظام حق یا قیومیت حق ایک بے پناہ موضوع ہے. عالم ہستی، عالم خلقت، ما سوى اللہ، جو کچھ ہے، جہاں تک مادی نگاہیں پہنچتی ہیں، جہاں تک معنوی نگاہیں پہنچتی ہیں، جو کچھ ہے، ہر وہ شے جس پر ہے کا اطلاق ہو سکتا ہے، لفظ ہے، جس چیز کے لیے بھی ہونے کا اطلاق ہو سکتا ہے وہ سب قیومیت حق کے دائرے میں ہے. ذات حق قائم بالذات ہے اور ما سوى اللہ جو کچھ ہے وہ قائم بالحق ہے، وہ قائم بالذات نہیں ہے. ما سوى اللہ جو کچھ ہے وہ قائم بالذات نہیں ہے، وہ قائم بالحق، حق ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. یعنی کیا؟ یعنی باطل کچھ نہیں ہے. جب باطل کچھ نہیں ہے تو باطل کا خوف کیوں کیجئے؟ ایک لفظ میں بحث کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. باطل کچھ نہیں ہے، باطل کو باطل کو
कुछ भी हज़ो हिस्से वजूद नसीब नहीं है। हसन बातिल वजूद नहीं रखता, और जो शय वजूद नहीं रखती उसका खौफ किस लिए है? डरो तो उससे जो है। जो है ही नहीं उसका क्या डर? डरो उससे जो है। इसीलिए इत्तकुल्लाह 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 की आवाज़ बुलंद होती है। अल्लाह की खातिर डरो अपने आमाल की पैदाश से। इसी इबारत को इस तरह कह दिया जाता है कि अल्लाह से डरो। ये मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूँ, पहले भी कर चुका हूँ, मुतअद्दिद बार मुकर्रर अर्ज़ कर चुका हूँ कि अल्लाह वैसे डरने की चीज़ नहीं है, अल्लाह मोहब्बत करने की चीज़ है। अल्लाह डरने की चीज़ नहीं। अल्लाह ने इस निज़ाम हस्ती को अपने करम पर कायम रखा है, अपने लुत्फ पर कायम रखा है। जो कुछ है वो सब कायम बिलहक है, सिर्फ हक है जो कायम बिद्दात है। और इसकी दलीलें क्या हैं? इसकी दलीलें मैंने अर्ज की कि इसी आयत करीमा में एक के बाद एक दलीलें आ रही हैं, लेकिन उन दलाइल की तरफ इशारा करने से कबल और उस बहस को आगे बढ़ाने से कबल अपनी उस तहजीब को भी बरकरार रखूं जो इस मरतबा कायम हो गई है कि हर रोज़ मैं एक फ़िक्रा हज़रत अबू अब्दुल्लाह अल-हुसैन इतनी बार दोहराता हूँ, इतनी बार तकरार करता हूँ, अल्फाज दोहराता हूँ कि मुझे यकीन है कि आप हज़रात को अगरचे आपकी मादरी ज़बान अरबी नहीं है मगर अरबी के ये फ़िक्रे भी याद हो गए होंगे। आज कल उस फ़िक्रे तक बात पहुँची थी कि अशरफ़ अत्तक़्वा, और इसलिए आज भी गुफ्तगू में इब्तिदा ही में तक़्वा का तज़किरा आ गया। ये जुमला फिर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैंने कोई ख़तीबाना मुबालिगा नहीं किया था। अशरफ़ अत्तक़्वा ये ख़ुलासा क़ुरान है, ख़ुलासा क़ुरान। और आज आका का एक जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ जो अमली सैर व सलूक से मुतअल्लिक़ है, और ये सैर व सलूक का वो सबक है जो बहुत हल्का है, बहुत आसान है, बहुत सामने का है, जैसे कुछ भी नहीं है मगर बहुत कुछ है। वो क्या? हम में से कौन है जो सलाम के लफ्ज़ से वाकिफ़ नहीं है? सलामुन अलैकुम, इससे कौन वाकिफ़ नहीं है? लेकिन ये सलामुन अलैकुम या अस्सलामु अलैकुम कहना पूरे इरादे के साथ, पूरी मारिफत के साथ, पूरी मानवियत के साथ, कसद क़ुरबत के साथ, कसद इताअत के साथ। और फरमाया मुआशरे में राइज है ग्रीटिंग्स के कुछ तरीक़े राइज हैं, उनमें एक ये भी है सलामुन अलैकुम। इसलिए एक राइज फ़िक्रे को दोहरा देना सबब इबादत नहीं है। मुआशरे में एक चीज़ राइज है, अगर अंग्रेज़ी मुआशरे में या अंग्रेज़ी दा मुआशरे में रहते हैं तो सुबह उठ के गुड मॉर्निंग कर देते हैं, उर्दू दा मुआशरे में रहते हैं तो अस्सलामु अलैकुम कह देते हैं। ये अस्सलामु अलैकुम शायद उतना अजर नहीं रखता, लेकिन अगर यही अस्सलामु अलैकुम या सलामुन अलैकुम इस कस्द से कहा जाए कि हुक्म हक है कि सलाम करो, तो ये एक फिक्रा क्या कहने बाबा,
जो कोई जिक्र नहीं समझा जाता, कोई विर्द नहीं समझा जाता, कोई अमल नहीं समझा जाता। सैर व सुलूक की रियाजत का कोई हिस्सा नहीं समझा जाता। कोई पीर अपने मुरीद को तलकीन नहीं करता कि देखो ये भी सैर व सुलूक का हिस्सा है। कोई सूफी अपने हाथ पे बैत करने वाले से ये नहीं कहता कि जो हम तुम्हें चिल्लकशी का अमल सिखा रहे हैं उसमें एक जुज़ ये है मुस्तकिल। ये सब नहीं होता ना, मगर उसके बावजूद ये सलामुन अलैकुम कहना या अस्सलामु अलैकुम कहना बकस्द क़ुर्बत के अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह का पैगाम है जिसे हमें अपनी ज़बान से अदा करना है। अगर इस इरादे से यही सलामुन अलैकुम या अस्सलामु अलैकुम कहा जाए तो किस कदर अजर है, कितना सवाब है। और बहुत से लोग या आदतन कहते हैं या इरादतन नहीं कहते। बच्चो रहे मैं क्या गुजारिश कर रहा हूँ। ये फ़िक्रा, ये मामूली सा फ़िक्रा जिसे मामूली यानी किसी और नुक्ते नज़र से मैं कह रहा हूँ, ये मामूली नहीं है। ये फ़िक्रा या लोग आदतन कहते हैं या इरादतन नहीं कहते। कोई ऑफिसर हैं, कोई बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके जहन में, या कोई बड़े अल्लामा हैं आलिम हैं जिनके जहन में अपनी बड़ी अहमियत है और किसी और की अहमियत है नहीं। आप वो इंतज़ार में रहते हैं कि दूसरे उन्हें सलाम करें, वो सलाम नहीं कर सकते। यानी सलाम न करना इरादतन है, अगर कभी कर दें तो समझिए आदतन। टेलीफोन कीजिए किसी बड़े साहब के यहाँ। बड़े साहब किसी एक का नाम थोड़ी है, ये एक कैटेगरी है। किसी बड़े साहब के यहाँ फ़ोन कीजिए तो वो कहते हैं जी हेलो। अब जनाब वाला आपने कहा सलामुन अलैकुम, कौन साहब? सलामुन अलैकुम का जवाब क्या है? कौन साहब? यानी वो अलैकुम अस्सलाम कहना भी कसर शान है, तहजीब इस्लामी से बेगाना है, तकब्बुर का ये आलम है। एक वाजिब को तर्क कर रहे हैं, अजनबियत का इजहार कि तुम हो कौन हमें सलाम करने वाले, तुम इस काबिल भी हो कि हम तुम्हें जवाब दें या ना दें। तकब्बुर की भी कोई इंतहा होती है, तकब्बुर की भी कोई इंतहा होती है। कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा है, कोई जान नहीं खर्च हो रही है, वालेकुम अस्सलाम नहीं निकल रहा है। कौन साहब? कौन साहब, किसने फोन कर लिया? यानी गोया उनके मुआशरे में सलाम करना अजनबीयत की दलील है। और ये कहीं और की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे दरमियान की बात है। इसलिए एक फकरा याद रखिए किसका, हजरत अबू अब्दुल्लाह अल-हसन। इस फकरे को सोने के हरफों से तख्ती पे लिखवा कर और दर खाना पे आवेज़ा कर दीजिए अपने घर के दरवाजे पर। और इस तरह आवेज़ा कीजिए कि आप जब निकलिए तो आपकी नज़र पड़े, जब कोई आए तो उसकी नज़र पड़े। वो क्या है? वो ये फरमाया अल-बखीलो मन बखिल बिस्सलाम। बखील तो वो है जो सलाम करने में भी बुखल करे। बखील तो वो है जो सलाम करने में भी बुखल करे। अल-बखी ये हज़रत अबू अब्दुल्लाह अल-हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जुमला है। मगर ये मुक्तबस है कलाम नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस में भी ये मज़मून
इसी ताबीर के साथ आया कि बखील वो है अब खलुन्नास, लोगों में सबसे बड़ा बखील वो है कि जो मन बखिल बिस्सलाम या मन मर अला मुस्लिमिन वलम युसल्लिम, जो किसी मुसलमान के सामने से गुज़रे और उसे सलाम ना करे, गुज़रे और सलाम ना करे। इसी ज़िम्न में याद आ गई ये हदीस शरीफ भी जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही से मरी, आपने फरमाया लिस्सलाम सबऊन हसना, सलाम के लिए 70 नेकियां हैं, सलाम की 70 नेकियां हैं। ताबीर है समझने समझाने के लिए, जो लोग गिनतियों ही में हसनात को महदूद समझते हैं, जो हसनात को एक शय महदूद समझते हैं, वो हम जैसे इंसान नाकिसुल वजूद नाकिसुल आकल नाकिसुल हज नाकिसुल ईमान नाकिसुल वजूद असलन। फरमाते हैं लिस्सलाम सबऊन हसना, सलाम के लिए सलाम की 70 नेकियां हैं। तिसउन वसितून लिल मुब्तदि, 69 उसके लिए जो इब्तिदा करे, व वाहिदतुन लिर्राद और एक जवाब देने वाले के लिए। ये इमाम ने फरमाया 70 नेकियां हैं सलाम के साथ, जो इब्तिदा करे उसके लिए 69 और एक जवाब देने वाले के लिए। अब वो लोग अपना जायज़ा लें कि सलाम करने वाले ने तो सलाम कर दिया, जो जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं, एक नेकी की भी समेटने की सकत उनके दामन में नहीं है, एक नेकी कमाने की भी तौफीक नसीब नहीं है, तवज्जो है। और ये सलाम वाकयान अस्सलाम अल्लाह सुबहानहु व तआला के नामों में से एक नाम है, अस्सलाम अल्लाह सुबहानहु व तआला के नामों में से एक नाम है। अस्सलामु अलैकुम कहना कितनी बड़ी सआदत है, या सलामुन अलैकुम कहना कितनी बड़ी सआदत है। यहाँ ये ज़रूर अर्ज़ कर दूँ कि बाज़ मुसलमान अस्सलामु अलैकुम कहने ही को तरजीह देते हैं, सलामुन अलैकुम कहने को गोया मुनासिब ख्याल नहीं करते और एक ख़ास मसलक के लोगों की पहचान समझते हैं। मगर कुरान मजीद उठा के देखिए, बिला इस्तिस्ना एक जगह भी एक्सेप्शन नहीं है। जहाँ जहाँ कुरान मजीद ने अहले जन्नत के मुहावरात का तज़किरा किया है, अहले जन्नत की गुफ्तगू नकल की है, अहले जन्नत के आदाब व तस्लीमात व तहयात की हिकायत की है, अहले जन्नत की ग्रीटिंग्स का हवाला दिया है, वहाँ यही बताया है कि अहले जन्नत एक दूसरे को सलामुन अलैकुम कहते हैं। अहले बहेश्त अहले जन्नत सलामुन अलैकुम कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम की ताबीर वहाँ पर नहीं आई है, मैं तख्तिया नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वजाहत कर रहा हूँ। बहरहाल आज ये बात, अब ये तो देखिए कोई बहुत गहरी मंतिकी बहस तो नहीं थी, कोई फलसफियाना बहस तो नहीं थी, मगर थी। मैंने कहा एक मर्द मोमिन और मुस्लिम का सैर व सलूक का सफ़र तो इसी कलमे से शुरू होता है, और जिसका सफ़र ज़िंदगी सलाम से शुरू हो वो यकीनन अस्सलाम तक पहुँचेगा। ठीक है, ये तरबियतगाह है। ये हज़रत के जुमले भी याद रखिएगा, और अगर आपने इस कलमे सलामुन अलैकुम या अस्सलाम को वाकयन इरादतन कहना शुरू कर दिया, तो शर्त क्या है ये कलाम कहने की, शर्त क्या है? देखिए एक लफ्ज़ कितनी तासीर रखता है अगर बामारिफत हो इंसान, हर जगह मारिफत शर्त है। यही सलामुन अलैकुम कहने वाले कुछ लोग इस तेज़ी से कहते हैं
कि जैसे मालूम होता है सलाम अलैकुम, माफ़ कीजिए अभी सब हिकायत करनी पड़ती है। अब वो लाम गायब हो गया बीच में तो सीन अलिफ और मीम रह गया, अब मालूम है क्या मानी होगा इसके, अस्सलामु अलैकुम के मानी होंगे आपके ऊपर मौत, आपकी तबाही, आपकी हलाकत, मौत। और फरमाया आपने लोग पता नहीं कितने काहिल हैं जिनकी जबानों पे हर्फों का बार नहीं उठता तो उनके दामन नेकियों का बार क्या संभालेंगे। कैसी काहली है, कैसी बेहौसलगी है, कैसी बेहिम्मती है, कैसी पशमुर्दगी है, कैसी शताबी है, कैसी जल्दी है, कैसी उजलत है कि आप अस्सलामु अलैकुम या सलामुन अलैकुम पूरा फिक्रा नहीं कह सकते तवज्जो और इरादे के साथ। जब इन चार हर्फों का बार नहीं उठता तो आपके दामन वजूद में नेकियों का वजन क्या उठेगा। और फरमा रहे हैं ये सलाम अगर एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम के लिए कहे शुऊरी तौर पर, अगर उसे शुऊर हो कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से रूबरू हो तो उसे अल्लाह सुबहानहु व तआला की तरफ से पैगाम देना है सलामती का, तो फिर सोचिए कहीं मुस्लिम मुआशरे में गोलियों का कल्चर बाकी रहेगा। कहीं ये दहशत पसंदी और दहशत गर्दी ये कल्चर बाकी रहेगा। तवज्जो है। और जो लोग मुसलमानों को सलाम का तोहफा देने के बजाय कुछ और देते हैं वो जायज़ा लें मुसलमान हैं या कुछ और। तवज्जो है, तवज्जो है। ये सब ज़िंदगी के मसाइल हैं, ये सब मुआशरे के मसाइल हैं, ये सब तहज़ीबी मसाइल हैं, तरबियती मसाइल हैं, सकाफ़ती मसाइल हैं। अल्लाह सुबहानहु व तआला के अस्माए मुबारका में से ये इस्म मुबारक अस्सलाम की वो तजल्ली है जो हर एक को इनायत की गई। सलाम मैं हूँ मगर तुम्हें इख्तियार है मेरी तरफ से सलामती का पैगाम देते रहो हर एक। सलाम दरअसल कौन है? वो अल्हय्युल क़य्यूम। सलाम कौन है? वो अल्लाह सुबहानहु व तआला। सलाम कौन है? वो जिसने कहा कुल हु अल्लाहु अहद। वो ज़ात अहद, वो ज़ात समद, वो ज़ात लम यलिद व लम यूलद, वो ज़ात व लम यकुल लहु कुफुवन अहद, वो ज़ात अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु, वो ज़ात अल्हय्युल क़य्यूम। उसी का नाम है अस्सलाम। इसलिए भी सलामुन अलैकुम कहना एक पहचान है कि तुम ममलिकत हक में हो या ममलिकत बातिल में। किस ममलिकत में हो, किसको अपना मालिक समझते हो, किसको अपना मलिक समझते हो, खुद को किसका ममलूक समझते हो। इसलिए कि उसने कहा लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्ध, हर चीज ममलूक है हक सुबहानहु व तआला की, हर शय ममलूक है उसकी, और चूंकि उसकी ममलूक है इसलिए वो हर शय पर इहाता रखता है और हर शय को संभालता है। हर शय को संभालने वाली ज़ात उसी की है। कल बहस इस मंजिल तक आ गई थी कि मैंने गुजारिश की कि ये अल्हय्युल क़य्यूम में जितने अस्माए हुस्ना हैं वो सब इसमें भी पोशीदा हैं।
यानी अस्सलाम अल्हय्युल क़य्यूम में पोशीदा है, अल-मुमिन अल-हय्युल क़य्यूम में पोशीदा है, अर-राज़िक अल-हय्युल क़य्यूम में पोशीदा है, अल-करीम अल-हय्युल क़य्यूम में पोशीदा है, अर-रहीम अल-हय्युल क़य्यूम में पोशीदा है। और वो हय्यु क़य्यूम इसलिए है कि ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसकी ज़ात पाक ऐसी है कि न ऊँघता है न सोता है, उसकी ज़ात पाक ऐसी है कि लहू माफ़ समावात व माफ़िल अर्ज़, जो कुछ आसमानों में है और ज़मीन में है वह सब उसका है, उसके लिए है, उसकी ममलूक है हर शय। यहाँ लहू में लाम जो है सिर्फ एक लाम, एक हर्फ लाम, इसके मानी में मिल्क मुल्क सब पोशीदा है। एक हर्फ लाम में मिल्कियत के मानी और मुल्कियत के मानी सब पोशीदा है, उसी की हैं तमाम चीज़ें और उसी के लिए हैं तमाम चीज़ें, उसी का अख्तियार है हर शय पर। यहाँ से बहस आगे बढ़ी थी कि मालिक वो है, मालिक वो है, लेकिन उसने जो निज़ाम बनाया है हस्ती का तो उसने किसी और को भी मालिकाना हुकूक दिए हैं, इसका इनकार ना कीजिएगा। बड़े बड़े मुवाहिद हैं दुनिया में, कलमे तौहीद ज़बान पर है, और जहाँ कहीं ज़िक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अहले बैत का तज़किरा होता है या अइमा और औलिया अल्लाह का तज़किरा होता है और उनके इख्तियारात का तज़किरा होता है तो फौरन जनाब वाला वो कहते हैं ये शिर्क कर रहे हैं आप, ये शिर्क, उनके इख्तियारात का तज़किरा कीजिए शिर्क है। अब आप ऐसा कीजिए कि कोई साहब ऐसे हों जो खालिस अहले तौहीद होने के दावेदार हों, आप उनके घर में जाके बैठ जाइए और कहिए अब तो मैं नहीं जाता, क्यों? अल्लाह ने फरमाया है आसमानों ज़मीनों में जो कुछ है सब उसका है, आप कौन होते हैं इस ज़मीन पर, आपका क्या इख्तियार है, आपने खल्क फरमाई है ये ज़मीन, ये ईंटें ये पत्थर ये जो कुछ दीवारों में लगा है ये आपने खल्क फरमाया है, आप मालिक हैं इसके, आप मालिक हैं, यानी आप मुशरिक हैं फिर, यूँ भी आपकी गर्दन ज़दनी का हम हक रखते हैं, आप मालिक होने का कैसे दावा करते हैं? अल्लाह कुरान में कहता है कि वो मालिक है, लहू मा फिस समावाति व मा फिल, जो कुछ, कोई इस्तिस्ना है या कोई एक्सेप्शन है, किसी किस्म का एक्सेप्शन है, इस्तिस्ना की जितनी किस्में हैं, इस्तिस्नाए हकीकी, इस्तिस्नाए मजाजी, इस्तिस्नाए मुनक़ते, इस्तिस्नाए मुत्तसिल, जितनी किस्में हैं नहव में या बलागत में, वो कोई भी इस्तिस्ना यहाँ है, लहू माफिस समावाति व माफिल अर्ज़, जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में सब उसका है, आप कैसे अपने घर के मालिक होने के दावेदार? हम भी मुसलमान आप भी मुसलमान, तो फिर जितना आपका हक है इस घर पर, उतना ही हमारा है हक इस घर पर, हम भी अल्लाह को सजदा करते हैं, आप भी अल्लाह को सजदा करते हैं, वहाँ उनके अकीदे हकीकत की पोल खुल जाएगी, यानी साहब ये मेरा है, कैसे आपका है? मैंने पैसा दिया है, मैंने खरीदा है। अरे पैसा देने से आप मालिक हो गए? अल्लाह कहता है मैं मालिक हूँ, आप कहते हैं मैं मालिक हूँ, ये लफ्ज़ मालिक का वजन तो देखिए, अल्लाह
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے میں مالک ہوں, آپ کہتے ہیں میں مالک ہوں, یعنی آپ کا مقدمہ نعوذ باللہ براہ راست خدا سے, ملکیت کا جھگڑا وہ بھی کس سے؟ خدا سے. ملکیت کا مقدمہ, چیف جسٹس صاحب تشریف فرمائیں, ملکیت کا مقدمہ اور وہ بھی پروردگار سے. وہ فرما رہا ہے کتاب میں, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں سب اس کا. اور آپ اتنے بڑے محل کو, اتنے بڑے قلعے کو, اتنے بڑے مکان کو کہہ رہے میری ملکیت ہے. وہ کہیں گے, فرمائیں گے کہ جناب آپ نے اسلام پڑھا نہیں, آپ نے قانون پڑھا نہیں, اسی قرآن میں اللہ نے کچھ اور ضمنی ذیلی قوانین بتائے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ ایک طرح کی ملکیت ہمیں بھی حاصل ہوتی ہے, ہم جب پیسہ دیتے ہیں بیع و شرا کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر اللہ ہی کے بنائے ہوئے قانون کے تحت, اللہ ہی کے بنائے ہوئے قانون کے تحت جب بیع و شرا کا معاملہ ہو جاتا ہے, کوئی بیچتا ہے اور ہم خریدتے ہیں تو پھر یہ چیز ہماری ہو جاتی ہے, ہم مالک کہلاتے ہیں. او نادان, پیسوں کے بل پہ بیع و شرا کرنا آسان ہے, جب کوئی خدا سے بیع و شرا کرے, نفس بیچے مرضیاں خریدے. میں پیسہ دیا اور ملکیت کا تبادلہ کر لیا, تم مالک ہو گئے. کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کا معاملہ بینامہ قرآن میں درج ہے؟ اس نے یہ کاغذ کے نوٹ یا معادن کے سکے, سونے اور چاندی کے سکے کا معاملہ نہیں کیا تھا, اپنا نفس بیچا تھا, خدا کی مرضی خریدی. دریدہ دہن, ناپاک نفس رکھنے والے علی کی فضیلتوں کا تذکرہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں معمولی سی فضیلت کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں. یہ معمولی فضیلت ہے جہاں قیمت میں اللہ کی مرضیاں ہوں. معمولی سی فضیلت. اب دیکھو ایک بات عرض کر رہا ہوں, ملکیت کئی طرح سے ثابت ہو جاتی ہے. ایک ملکیت ہوتی ہے خریدنے اور بیچنے سے, ایک ملکیت ہوتی ہے وراثت سے, ایک ملکیت ہوتی ہے ہبہ کر دینے سے, ٹھیک ہے؟ اب بہت تینوں اس میں قانونی اعتبار سے جائیے تو ہبہ کے نتیجے میں ملکیت ہو یا وراثت کے نتیجے میں ملکیت ہو یا بیع و شرا کے نتیجے میں ملکیت ہو, جب ملکیت ثابت و مستقر ہو جاتی ہے تو پھر اس میں تفاوت نہیں ہوتا. واضح ہے؟ علماء تشریف فرمائیں اور قانون دان صاحبان تشریف فرمائیں. کسی بھی اعتبار سے جب ملکیت مستقر ہو جائے, ثابت ہو جائے, کسی کے آبا و اجداد کی ملکیت تھی وہ وراثت کے نتیجے میں کسی تک پہنچی اور اب بلا نزاع
विरासत मुस्तकिर हो गई, साबित हो गई, ये मालिक हैं विरासतन। तो अब ये तमाम मिल्कियत का हक़ रखते हैं या नहीं, बेच सकते हैं, ये खुद चाहें किसी को तो दे सकते हैं, ये किसी को उस मिल्कियत में आने से रोकना चाहें रोक सकते हैं। भाई एक बाग है, दादा जान का बाग था, बाबा जान को मिला, बाबा जान से पोते साहब को मिला, अब ना बाबा दुनिया में है ना दादा, पोते साहब बाग के मालिक हैं, कोई नज़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोर्ट से, अदालत से, मुल्की कानून से, हर एतबार से ये वारिस हैं, इन्होंने ख़रीदा नहीं, किसी ने उन्हें दिया नहीं, ये विरासतन इन तक पहुँचा, अब ये मालिक हैं, ये जिसको चाहें ये बाग दे दें, जिसको चाहें बाग का फल दे दें, जिसको चाहे बाग में दाखिल होने से रोक दें, जब चाहे बाग बेच दें। मिल्कियत जब इनकी है तो इनके लिए उसकी कीमत क्या है? जब चाहे बाग बेच दें, और अगर साहिब इख्तदार और साहिब इख्तियार और साहिब इल्म और साहिब फिरासत होंगे तो एक बाग बेच के हज़ार बाग बना सकते हैं, कि सलाहियत भी होगी, ये विरासत है। अच्छा विरासतन नहीं साहब, कुछ नहीं था, दादा के पास कुछ नहीं था, बाबा के पास कुछ नहीं था, सब दुनियावी हैसियत से कुछ नहीं रखते थे, ये पोते ही साहब को इतना परवरदिगार ने नवाजा कि इन्होंने अपने कद यमीन से कमा कर हलाल कमाई से बाग खरीदा। अब ये मालिक हैं उसके या नहीं, वही इख्तियारात जो उनको थे वही इनको हैं, बाग इन्होंने ख़रीद लिया, अब ये चाहे किसी को आने दें चाहे ना आने दें, किसी को फल दें ना दें, बेचें रखें, सब इख्तियार हैं। अब तीसरी सूरत क्या है, और भी सूरतें, मैं तीन पर इस वक्त इक्तफा करूँगा। हेबा, किसी ने किसी को हेबा कर दिया, अता कर दिया, और हेबा की जो शर्तें हैं वो भी पूरी हो गई, देने वाले ने दिया और लेने वाले ने कब्ज़ा भी ले लिया, ठीक है, हेबा तमाम। अब वही सब इख्तियारात हैं या नहीं, ठीक है ना, वाज़े है। देखिए फ़िक़्ह इस्लामी भी पढ़ते रहिए और कानून को भी समझते रहिए, तीनों सूरतों में इख्तियारात वही हैं, वाज़े है। परवरदिगार आलम ने मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम को आज ये हदिया लेकर जाइएगा, परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को और अहले बैत मुस्तफ़ा को हर तरह की मिल्कियत इनके लिए साबित की है कुरान में, उसने अता भी किया, इन्होंने मुआमला करके ख़रीदा भी, इनकी विरासत का भी ऐलान हुआ। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले, पढ़िए तो सही, पूरा कुरान मजीद पढ़िए, देखिए आया विरासत में क्या है, इनके लिए विरासत साबित है या नहीं। देखिए वो कल जो आयत, और ये जो जिस आयत की तरफ मैंने इशारा किया, बय और शरा नफ्स का और मर्जी का मामला हुआ या नहीं, और उसके बाद वो आयत जो कल मैंने गुजारिश की थी, आया विलायत इन्नमा वलियुकुम अल्लाह, बस तुम्हारा वली अल्लाह है, व रसूलुहु और उसके रसूल, और बात रसूल तक रुक नहीं गई बल्कि अहले बैते रसूल भी दाखिल हुए, और वल्लज़ीन आमनु अल्लज़ीन युकीमून अस्सलात व यूतून अज़्ज़कात व हुम राकिऊन, गोया जितने तरीक़े तमलीक व तमल्लुक के हैं वो सब तरीक़े सब कुछ कुरान मजीद की रूह से साबित हैं, बेशक
وحدانیت اس کی, خالقیت اس کی, خالق وہ ہے اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے. باقی جتنی لوگوں جتنے لوگوں کے اندر تخلیقی صلاحیتیں ہیں اس کی عطا سے. جتنے لوگوں میں بھی جس جس طرح کی بھی تخلیقی صلاحیت ہے اس کی عطا سے. خالق وہ ہے, معبود وہ ہے, اس کے علاوہ جس جس کی جہاں جہاں بھی اطاعت کی بات آئے گی اس کی تائید سے, اس کی طرف سے قانون بنے گا. مگر اولاد پر والدین کی اطاعت نہیں ہے, شرک ہے کیا یہ؟ مگر بیوی پر شوہر کی اطاعت نہیں ہے, شرک ہے کیا؟ لیکن اب دوسرا جملہ میں نہیں کہہ سکتا, میرے اختیار میں نہیں. خواتین ناراض ہوں یا خوش رہیں, خوش رہیں یا ناراض ہو جائیں, میں شوہروں پر بیویوں کی اطاعت کا قانون ابھی تک میں نے پڑھا نہیں ہے. بیویوں پر شوہروں کی اطاعت کا قانون ہے, ہاں شوہروں پر بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا قانون ہے. بیویوں کی قدر کرو, بیویوں سے خوش اخلاقی سے پیش آؤ, انہوں نے اپنی زندگی اور اپنا وجود تمہارے سکون کے لیے تمہارے حوالے کیا ہے, تم ان کی قدر کرو, ناقدری نہ کرو. یہ بات ہے. قدر دانی اور اطاعت میں بہت فرق ہے. جو لوگ اطاعت کرنے لگتے ہیں وہ نہ اپنی حیثیت پہچانتے ہیں نہ بیوی کی حیثیت پہچانتے ہیں. اطاعت نہیں, بیویوں پر شوہروں کی اطاعت واجب ہے, اولاد پر والدین کی اطاعت واجب ہے, امت پر امام کی اطاعت واجب ہے, امت پر رسول کی اطاعت واجب ہے. یہ سب اطاعتیں, اطاعتوں کا یہ حق تقسیم کس نے کیا؟ اطاعتوں کے یہ حقوق کس نے بانٹے, کس نے مقرر کیے, کس نے معین کیے؟ وہ جو معبود برحق ہے. تو خالقیت اس کے لیے ثابت, شرک کی گنجائش نہیں. اطاعت و عبادت اس کے لیے ثابت, شرک کی گنجائش نہیں ہے. منحصر ہے ولایت اس کی ذات میں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, یہ سب بحثیں اور اس سے زیادہ نہ جانے کتنی تفریعات, شاخ در شاخ ساری بحثیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض میں شامل ہیں. سارا اختیار اس کا, مگر جب وہ کسی کو اختیار دے دے تو پھر اس کے اختیار دیے ہوئے اختیار کا انکار کرنا بھی کفر ہے. اس نے جسے اختیار نہ دیا ہو اس کا دعوی اختیار کرنا شرک ہے. حق سبحانہ وتعالی نے جسے اختیار نہ دیا ہو وہ اختیار کا دعوی کرے, یہ شرک ہے. اور حق سبحانہ وتعالی نے جسے اختیار دیا ہو اس کے اختیار کا انکار کیا جائے, یہ کفر ہے. توجہ ہے, توحید کے اسباق ہیں. اللہ کی اطاعت کیسے کی جائے, اللہ کی بندگی کیسے کی جائے, حق سبحانہ وتعالی کی معرفت کسے کہتے ہیں؟ آئیے ایک جملہ کہتا ہوا آگے بڑھوں. حضرت امام حسین علیہ السلام, ہی کا ارشاد ہے, آپ ہی سے پوچھنے والے نے پوچھا. آپ ایک خطبے میں ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بندوں کو پیدا کیا کس لیے؟ صرف اپنی معرفت کے لیے, تاکہ اس کی معرفت پیدا کریں,
और जब मारिफत पैदा होगी तो उसकी इताअत और बंदगी होगी। कोई शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा कि अल्लाह की मारिफत कैसे हासिल करें, कहा इमाम बरहक की मारिफत के साथ। इमाम बरहक, इमाम बरहक, इमाम बरहक निज़ाम हक का सुतून होता है। निज़ाम बरकरार रहता है इमाम बरहक के सबब से। इसीलिए इमाम बरहक के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि वो है दरअसल वासिते फैज़ इलाही। काश बहुत से हजरात जो शुकूक व शुबहात में मुब्तला हैं और तौहीद के मसाइल में बहुत सी नज़ाकतों में तरद्दुद का शिकार हैं, वो समझें कि इमाम मासूम या हुज्जत हक वास्ते फैज़ इलाही है। खुद ज़ात गिरामी मुहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत ख़त्मी मरतबत का मरतबा इस कायनात में। फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, मुझे समझाने वाले ख़ुद भी तो समझने की कोशिश करें। अपने दिल को पत्थर बनाकर दूसरे के दिल को पत्थर होने का ताना देना, हम भी समझने समझाने की कोशिश करें, आप भी समझने समझाने की कोशिश करें, ना हम अपनी राय पे ज़िद करें ना आप अपनी राय पे ज़िद करें, समझने की कोशिश करें। मकाम ख़त्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि निज़ाम हक में मकाम मुस्तफ़ा क्या है, इसे समझने की कोशिश करें। इसके लिए बराह रास्त आप कुरान मजीद के कलिमात और इस्तेआरात और तशबीहात और ताबीरात नहीं समझ सकते, हम नहीं समझ सकते, कोई नहीं समझ सकता। इसे थकलैन के मकतब में जाके समझें। इस कायनात में निज़ाम हक में, निज़ाम क़य्यूमियत हक़ में किसका क्या रुतबा है, किसका क्या दर्जा है, किसका क्या मकाम है, किस लक़ब के क्या मानी होते हैं, इसको समझने की कोशिश करें, ज़िद ना करें, समझने की कोशिश करें। मैं कोई ज़िद नहीं करता हूँ, मगर इतना जानता हूँ कि ये जो तरकीब है ख़त्मी मतलब फ़ारसी ज़बान में अगर कुछ ना होता, फ़ारसी ज़बान बड़ी शीरी ज़बान है, फ़ारसी ज़बान जो है वो तरकीबी ज़बान है, फ़ारसी ज़बान सेगई नहीं तरकीबी है, अरबी ज़बान सेगई है, फ़ारसी ज़बान तरकीबी है। तरकीबें इसमें ऐसी हसीन ऐसी जाम तरकीबें हैं कि अलामान अलहफीज़ दो दो कलिमात की तरकीब में एक जहान मानी समोया होता है। लेकिन मैं कहता हूँ कोई भी दूसरी तरकीब हसीन या जमील तरकीब न होती फ़ारसी में, सिर्फ ये एक फ़िक्रा होता ख़त्मी मर्तबत। तो खुदा की कसम फ़ारसी ज़बान की आबरू बरकरार रहती और बरकरार है। ये फ़ारसी ज़बान की तरकीब ना ख़त्मी मर्तबत, मकाम ख़त्मी मर्तबत। खुदा की कसम अल्लाह के बाद जितने मरातिब कमाल हैं वो ख़त्म है ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तरकीब मुझे बहुत अजीज़ है, मकाम ख़त्मी मर्तबत। जनाब ख़त्मी मर्तबत पे तमाम मरातिब कमाल, तमाम मरातिब कमाल ख़त्म हो जाते हैं जाके ज़ाते पैगंबर पर। खुदा के बाद और मुस्तफ़ा के दरमियान कोई मुस्तफ़ा से बलंतर नहीं है। मैं इस मसले पे मुनाजरा भी करने के लिए तैयार हूँ, मुबाहला भी करने के लिए तैयार हूँ। आए मुबाहला कर लें हमसे, पैगंबर है वास्ते फैज़ इलाही, पैगंबर से बरतर कोई नहीं है।
और पैगंबर के बाद किसका रुतबा हो सकता है जुज उसके जिसे कुरान ने नफ से पैगंबर कहा हो। यही फारसी का मिसरा मशहूर कि बाद अस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, ये किसी शायर का कौल थोड़ी है। ये वो मिसरे हैं जिन मिसरों के की बिना पे शुआरा को कहा जाता है कि तलामीज़ुर रहमान है। ये इल्हामी मिसरे होते हैं, ये इल्हामी मिसरे होते हैं। बाद अस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, इस पे दूसरा मिसरा लग ही नहीं सकता, बस बराए बैत लगाया गया है। जो भी है वो बराए बैत है शेर को मुकम्मल करने के लिए, वरना पूरी बात है इसमें। अल्लाह के बाद मुस्तफ़ा हैं और बस। ऐसे भी लोग हैं दानिशवर कहलाते हैं, हकीम समझा जाता है, फ़लसफ़ी समझा जाता है। कहते हैं एक गरोह है जिसने सबसे पहले पैगंबर को इतनी अजमत दे दी कि गोया खुदा के मद्द मुकाबिल ला के खड़ा कर दिया। लानत है इस अक्ल अय्यार पर। और मैं तो बस इतना कहूँगा जिससे पैगंबर की फजीलत ना सुनी जाए उससे अली की फजीलत क्या सुनी जाए। खुद उनकी तारीफें करते रहिए तो मुस्कुरा मुस्कुरा। आपकी इनायत, आपका करम, ये बहुत बहुत बजा फरमाया आप बहुत बड़े अल्लामा जी जी, आपके लिए आप बहुत बड़े मुफक्किर हैं जी, आप ही ने मेरी बात समझी और कोई समझ ही नहीं सका आज तक मुझे, आप ही समझ पाए। उनकी तारीफ करते रहिए तो सुभान अल्लाह, पैगंबर की तारीफ कीजिए गुलू शिर्क बिदअत। बहुत महज़्ज़ब कलेमे में कह सकता हूँ कि इनका वजूद ही बिदअत है। मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ, मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ कि लुगात में डिक्शनरीज़ में हमेशा तब्दीली आती है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देख लीजिए इंग्लिश की, हर साल उसमें नई डिफिनीशंस पुराने अल्फाज की शामिल होती हैं और कुछ नए अल्फाज शामिल होते हैं। उर्दू वाले इतने तरक्की याफ्ता नहीं हैं, हैं तो मगर वो अपनी तरक्की का इजहार कर नहीं पाते, तो हर साल हमारे यहाँ कोई ऐसी डिक्शनरी छपती नहीं है। लेकिन बहरहाल जब आइंदा नई नस्ल डिक्शनरी लिखेगी तो बाज़ अल्फाज नए इस फ़कीर के हवाले से दाखिल होंगे डिक्शनरी में, और बाज़ पुराने अल्फाज की नई डिफिनीशंस लिखी जाएंगी, सनद में इस फ़कीर का जुमला नकल किया जाएगा। तो बिदअत के एक मानी आज बयान कर रहा हूँ कि जब महज़ब अंदाज में कहना हो कुछ कहना हो तो बस कह दीजिए कि आपका वजूद तो बिदअत है। सलावात पढ़ दीजिए। तारीफ नहीं सुन पाते भाई, हुजूर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैगंबर वास्ते फैज़ इलाही है, जो कुछ फैज़ हक है, जो कुछ वो सब हर एक तक इन्हीं के वास्ते से पहुंचे। जिसको फरिश्तों को मिला या जिनों को मिला या इंसानों को मिला, नबातात को जमादात को, मा सिवल्लाह जिसको भी फैज़ पहुंचा वो मुस्तफ़ा के वास्ते से पहुंचा। बस ये खुलासा जहन में रहे, उसके बाद गुफ्तगू आगे चलती रहेगी। और बाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर के बाद मकाम खत्मी मर्तबत के बाद
جسے قرآن نفس رسول کہیں, اس کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ اپنی طرف سے کچھ نہیں عرض کر رہا ہوں, قرآن ہے. حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام, کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑی فضیلت آپ کے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی کیا ہے؟ سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ کس سے پوچھا؟ امام سے پوچھا, آپ کے جد کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا نفس رسول ہونا, جو قرآن میں درج ہے. ازرو قرآن امیر المومنین علیہ السلام نفس رسول ہیں, یہ جواب آٹھویں امام امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے. اور کل یا پرسوں کی تقریر میں ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا, اب ظاہر زبان کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں اور بات کہنے کے اپنے اسالیب مقرر ہیں زبان میں, تو میں نے اس طرح کہا تھا کہ کسی محب کو وہ جملہ بھی گراں گزرا اور میں اس کے اس ذوق کی قدر کرتا ہوں, ناقدری نہیں کرتا. اس نے مولانا جس طرح آپ کہہ رہے تھے نا, اچھا نہیں لگ رہا تھا مجھے کہ علی کچھ نہیں ہے, علی کچھ نہیں ہے, علی کچھ نہیں ہے بجز نفس مصطفیٰ ہونے کے. میں نے کہا بھائی وہ کچھ نہیں ہے کہنا میرا وہ ایک اسلوب تھا, اور یہ اسلوب ہم نے کہیں اور سے نہیں سیکھا, ہم نے قرآن سے سیکھا ہے. قرآن میں ایک جملہ ہے, وما محمد الا رسول, ترجمہ کیجئے کیا ہوگا؟ محمد کچھ نہیں ہے. وما محمد, محمد کچھ نہیں ہے, یہی تو ترجمہ ہوگا, محمد کچھ نہیں ہے مگر ہمارے رسول. اب اگر یہ اس محمد کچھ نہیں مگر ہمارے رسول, اب یہی فرق ہے, یہی فرق. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں پیغمبر کا مجبوراً, مسلمانوں کے معاشرے میں ہونے کی بنا پر, یا آج بھی بعض لوگوں کی مجبوری ہے کہ اگر یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو سلطنت ہاتھ میں نہیں رہ جائے گی. پہلے کچھ لوگوں نے کلمہ صرف اس لیے پڑھا کہ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو سلطنت تک پہنچ نہیں پائیں گے. پہلے کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھا صرف اس لیے کہ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو سلطنت تک پہنچ نہیں پائیں گے, اور اب کچھ لوگ کلمہ پڑھتے رہتے ہیں صرف اس لیے کہ کلمہ چھوڑ دیا تو سلطنت سے محروم ہو جائیں گے, ورنہ انہیں کلمے سے کوئی غرض نہیں ہے. اطاعت کسی کی کرتے ہیں, کلمہ کسی کا پڑھتے ہیں. یہ المیہ ہے ہمارا. تو ایسے بہت سے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں مجبوراً محمد رسول اللہ, مگر وہ اس آیت کے بس ایک ہی معنی سمجھتے ہیں کہ محمد کچھ نہیں ہے, بس آگے نہیں بڑھتے. محمد کچھ نہیں ہے مگر ہمارے رسول, یعنی محمد کچھ نہیں ہے یعنی ہمارے رسول. یعنی جب کسی کے لیے کچھ کہیں تو یہ نہ سمجھنا کہ بھائی سمجھ کے کہہ دیا, بیٹا سمجھ کے کہہ دیا, بیٹی کی محبت میں کہہ دیا, نواسوں کی محبت میں کہہ دیا, فرط محبت سے ارشاد فرما دیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ محمد کچھ نہیں ہے. محمد کو اب ایک باپ کی نگاہ سے نہ دیکھو, محمد کو ایک بھائی کی نگاہ سے نہ دیکھو, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اس نگاہ سے دیکھو کہ وہ ہمارے رسول ہیں. اب وہ جو کچھ کہیں گے بحیثیت رسول, بس یہی تقریب اور یہی اسلوب میں نے اختیار کیا,
मैंने कहा अली कुछ नहीं है, अली कुछ नहीं है, खुदा की कसम अली कुछ नहीं है मगर नफ्स रसूल। यानी अगर ये बात पैगंबर के लिए साबित है कि पैगंबर जो कहें बहैसियत रसूल कह रहे हैं, तो अली भी वली हैं मगर जो कहें बहैसियत रसूल कह रहे हैं। ये शिर्क फिर नबुवह नहीं है, ये शिर्क फिर रिसाला नहीं है, जानशीन रसूल हैं। अगर रसूल होते तो क्या कहते, ये देखो कि अली क्या कह रहे थे। अगर रसूल होते तो क्या करते, ये देखो कि अली ने क्या किया। और तकसीम कार तो खुद पैगंबर ने बहुत से मौाक़े पर इरशाद फरमा दिया है, कहे अली तुम हमारे बाद वली हो, बस ये है कि मेरे बाद नबुवत नहीं आए। अली तुम मेरे बाद खलीफा हो, बस ये है कि मेरे बाद नबुवत नहीं आए। ये हदीस शरीफ, मैंने पहली मजलिस में एक हदीस शरीफ नकल की थी और कहा था ये मुतवातिर है, और आज फिर एक दस्त अदब जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ, तमाम आलम इस्लाम को तहदी के साथ, चैलेंज के साथ, ये कोई सिर्फ अहाद रिवायत नहीं है, सहीह रिवायत नहीं है, हसन नहीं है, मुवस्तक नहीं है, मुस्तफीद नहीं है, ये हदीस मुतवातिर है। ये हदीस मुतवातिर है, यानी कुरान हाथ पर लेकर कहा जा सकता है कुरान की कसम ये अल्फाज पैगंबर के हैं। क्या अल्फाज? इल्म हदीस और फिक्ह में काम करने वाले जानते हैं कि मुतवातिर हदीसों की कुल तादाद कितनी है, बहुत कम। फिर मुतवातिर की भी दो किस्में हैं, एक है तवातुर लफ्ज़ी और एक है तवातुर मानवी। तवातुर लफ्ज़ी ये है कि लफ्ज़न लफ्ज़न, लफ्ज़ ब लफ्ज़, कलिमा ब कलिमा, ऐन अल्फाज ऐन इबारत हुजूर से आज तक महफूज नकल होती चली आई हो, वो हदीस हदीस मुतवातिर लफ्ज़ी कहलाती है। मसलन कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह आयत है कुरानी में है, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से हम तक पहुँचा। कुरान मजीद में ला इलाहा इल्लल्लाह पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से हम तक पहुँचा, ला इलाहा इल्लल्लाह यकूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हुजूर का जुमला है, ज़ेर ज़बर का फ़र्क नहीं है, दहन मुबारक मासूम से ये जुमला अदा हुआ था। इसी तरह एक हदीस और मिसाल में पेश की जाती है, जिसे कहा जाता है कि अगर मुतवातिर हदीस कोई है तो बस ये, बाज़ हज़रात ये कहते हैं, कौन सी, मन कज़ब अलैय मुतअम्मिदन फलयतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, जो मेरी तरफ़ झूठी हदीस मंसूब करे उसका ठिकाना जहन्नम है। ये हदीस याद रखिएगा, ये हदीस भी याद रखिएगा। अली की फजीलतों को छुपाने के लिए दूसरों की झूठी हदीसें सुनाने से पहले इस हदीस को याद कर लीजिएगा। अली इब्न अबी तालिब की फजीलतों के मुकाबले में फजीलतें तकसीम की गईं, और ख़ुद इल्म हदीस के गवास जानते हैं कि दूसरी हदीसों की सनद की हालत क्या है। ख़ुद एतराफ़ करते हैं कि ये मजूला है, ये मौजूआ है, ये गढ़ी हुई हदीस है, मगर खुतबात जुमा में नकल हो रही है, वाज में नकल हो रही है, अवाम उसनास के सामने बयान हो रही है। जब तहकीकी किताब लिखते हैं तो लिखते हैं कि ये वज़ई है, ये जाली है, मगर अवाम उन्नास के सामने वो वज़ई और जाली नकल हो रही है। तो उनके लिए ये मुतवातिर हदीस याद रहे कि हुजूर ने फरमाया जो झूठा कलाम मेरी तरफ मंसूब करे उसका ठिकाना जहन्नम है,
और अब मैं अर्ज कर रहा हूँ जिसका जी चाहे तहकीक करे और मेरा गरेबान आके पकड़ ले, ये हदीस शरीफ भी मुतवातिर है। सिर्फ मुस्तफीज नहीं, मुतवातिर के पैगंबर ने फरमाया या अली انت مني بمنزلت هارون من موسى اے علی تمہاری منزلت میری نسبت سے وہی ہے جو ہارون کی منزلت موسیٰ کی نسبت سے تھی یہ حدیث حدیث حسن نہیں ہے، حدیث موثق نہیں ہے، حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث متواتر ہے۔ متواتر متواتر قرآن ہاتھ پہ لے کر قسم کھائی جا سکتی، یہ الفاظ پیغمبر نے ارشاد فرمایا اور آخر میں فرمایا کہ الا انہ لا نبی بعدی، تمہاری منزلت مجھ سے وہی ہے کہ جو ہارون کی منزلت موسیٰ سے تھی، مگر یہ ہے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ تم نبی نہیں ہو مگر موسیٰ کے ہارون ہو، موسیٰ سے ہارون کی نسبت کیا تھی؟ موسیٰ نبی تھے، ہارون وصی، میں نبی ہوں اور تم میرے وصی۔ اس حدیث کے ہوتے ہوئے لوگ کہتے ہیں وصایت ثابت نہیں ہے، اس حدیث شریف کے ہوتے ہوئے یہ دعویٰ کہ علی کی وصایت ثابت نہیں ہے، علی کی وصایت حدیث متواتر، جہاں جو سمجھنا چاہتے ہیں خوب سمجھ لیتے ہیں، جہاں نہیں سمجھنا چاہتے ہیں۔ اب جب ہم فیصلہ کر کے بیٹھ جائیں کہ ہمیں نہیں سمجھنا ہے تو کوئی کائنات میں کسی کو سمجھا سکتا ہے؟ یہ محاورہ غالباً دنیا کی متعدد زبانوں میں ہے کہ میاں سوتے کو جگا سکتے ہو، جاگتے کو نہیں جگا سکتے۔ کوئی صاحب جاگ رہے ہیں، آنکھ بند کیے پڑے ہوئے، اب آپ انہیں جگا کے دیکھیے، نہیں جاگ سکتے۔ جگاتے جگاتے آپ سو جائیں گے، وہ نہیں جاگنے والے ہے نا۔ یہ حدیث متواتر ہے، ایک طرف ازرو قرآن علی نفس پیغمبر، ازرو حدیث صحیح و متواتر علی جان نشین پیغمبر۔ تو اس مالک کے بعد مالک مصطفیٰ، مصطفیٰ مالک کے بعد مالک مرتضیٰ، کیسے کیسے ان کے حقوق ثابت کیے جائیں؟ نہ یا اللہ، یا اللہ کہنا توحید ہے تو یا محمد کہنا شرک نہیں ہے، اور یا علی کہنا بھی شرک نہیں ہے۔ اور یہ تو تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جب جب امتوں نے یا علی کہا ہے جیتے ہیں، یا علی کہنا چھوڑ دیا تو ہارے ہیں۔ یہ تو تاریخ کی روشن حقیقتیں ہیں۔ روشن حقیقتیں ہیں، یہ کیفیتیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ نظام حق، نظام قیومیت، قیومیت حق کا ستون، اس نظام کی ذمہ داری خود حضرت حق سبحانہ وتعالی نے ان کے سپرد کیے۔ یہ عقیدہ عقیدہ تفویض نہیں ہے، یہ عقیدہ عقیدہ تفویض نہیں ہے۔ حق سبحانہ وتعالی نے انہیں نبی بنایا، ولی بنایا،
और ये जुमला पहले भी कह चुका हूँ, फिर कहूँगा, क़यामत तक आप ये जुमला दोहराते रहेंगे तब भी ये जुमला फरसूदा नहीं हो सकता, बासी नहीं हो सकता, ये जुमला फरसूदा नहीं हो सकता। आप देखिए तो सही क्या शान है इनकी। एक इस्म मुबारक कम से कम ऐसा है जो मुश्तरक है, अल्लाह भी वली है, मोहम्मद भी वली है, अली भी वली है। एक ही लफ्ज, अली वली, मोहम्मद वली, अल्लाह वली। इन्नमा वलीयकुम अल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीन आमनु अल्लज़ीन युक़ीमूनस सलात व यूतूनस ज़कात व हुम राकिऊन। लफ्ज़ वली भी तीनों के लिए बराबर से साबित है और लफ्ज़ मौला भी बराबर से साबित है। क़ुरान मजीद में अल्लाह ने अपनी ज़ात मुबारक के लिए लफ्ज़ मौला इस्तेमाल किया, क़ुरान मजीद में एक से ज़ायद मकाम पर। और एक हवाला देकर गुजर जाऊँ, आप जाके तलाश कीजिएगा, सूरह मुबारक मुहम्मद, सूरह मुबारक मुहम्मद, उसमें लफ्ज़ मौला अल्लाह सुबहानहु व तआला के लिए मौजूद है। अल्लाह मौला, मुहम्मद मौला, अली मौला, ये एक लफ्ज़ है जो तीनों हस्तियों के लिए साबित। हक सुबहानहु व तआला की हस्ती बेचूं, हस्ती मुतलक उसके लिए भी साबित, हस्ती पैगंबर के लिए भी साबित, हस्ती अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए भी साबित। ये क्या कम शरफ है, ये ऐसी मामूली सी फजीलत है जिसे बढ़ा दिया। अरे एक मामूली सी फजीलत, एक नाम, एक लकब अल्लाह ने अपने लिए मुंतखब किया, वही पैगंबर के लिए, वही बेआईने ही अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बस गुफ्तगू समेट, ये इसलिए मौला हैं कि अल्लाह सुबहानहु व तआला ने अपने निज़ाम को इनके सुपुर्द फरमाया। ये तफ़वीद नहीं है, ये शिर्क नहीं है, ये कुफ्र नहीं है। और जब निज़ाम इनके सुपुर्द है तो इनसे इस्तमदाद भी जायज़ है, इनसे मदद ली जा सकती है, इनसे मदद मांगी जा सकती है। इनका इनसे मांगना खुदा से मांगना है, इनको पुकारना खुदा को पुकारना है, बल्कि इनका पुकारना बाज़ मौके पर अदब का तकाजा है कि इन्हीं को पुकारा जाए, उसे ना पुकारा जाए। अदब का तकाजा, अदब का तकाजा। हमें नमाज सीखनी है तो हमारी जुरत है, जेब देता है, हम कहें परवरदिगार उतरा अर्श से, मेरे सामने आ, बता मुझे नमाज कैसे पढ़ी जाए, तेरी नमाज कैसे पढ़ूँ, कैसे वजू करूँ, परवरदिगार मैं किसी और से नहीं सीखूँगा। अदब का तकाजा यह है कि खुदा के सामने बंदगी करनी है तो मुस्तफ़ा की मदद लो। खुदा से जिद न करना कि तू आ अपना अर्श छोड़कर, तू बता मुझे वजू कैसे करना है। बेअदब मुस्तफा से सीख, पुकार पैगंबर को, या रसूल अल्लाह बताइए वजू कैसे करें, या रसूल अल्लाह बताइए नमाज कैसे पढ़ें, या रसूल अल्लाह बताइए अल्लाह का हज कैसे करें, अल्लाह की बारगाह में पहुंचे कैसे, या रसूल अल्लाह आप बताएं। यहां या रसूल अल्लाह कहना अदब का तकाजा है, तौहीद का तकाजा है। अदब मा अल्लाह सीखें। जब पैगंबर सामने ना हो किसको पुकारें, नफ्से रसूल को पुकारे। बस गुफ्तगू को समेट, ये अजीब नाजुक मकामात आते हैं, लेकिन ये सब मुनकशिफ उस पर होते हैं कि जो वाकई अपना मामला हजरत हक से साफ रखना चाहे और हजरत हक से खुद दुआ करे कि परवरदिगार
अपनी तौहीद के तकाजे और आदाब सिखा दें, और वो सिर्फ मकतब मुस्तफ़ा और मकतब अहले बैत मुस्तफ़ा में आते हैं। ये आदाब कैसे हक़ की बंदगी की जाए, कैसे हक़ की नुसरत की जाए, कैसे हक़ का निज़ाम बरकरार रखा जाए। हक़ का निज़ाम, बस वक्त ख़त्म हो गया, वक्त तमाम हो गया। हक़ का निज़ाम कायम करने के लिए अंदाज़ ही कुछ और होता है। कभी उसका इख्तदार, उसका मुक्तदिर होना तख्तो ताज का नियाजमंद नहीं है, और इसलिए उसके औलिया का इख्तदार कभी ज़ाहरी तौर पर जंगों को जीत कर कायम नहीं होता। ज़ाहरी तौर पर गला कटा के इख्तदार कायम होता है। ये असरार हैं, ये असरार हैं। क्या इख्तदार है अबू अब्दुल्लाह अल-हुसैन का? किसी तख्त पर बैठने वाले का ये इख्तदार है कि वो ज़मीन को इशारा कर दे, ज़मीनें पस्त हो जाए? हुसैन का इख्तदार क्या है? ज़मीन को इशारा कर दे, ज़मीनें पस्त हो जाए, ज़मीन करबला जो ख़ुद नशेब है वो बुलंद हो जाए। इख्तदार है हुसैन ही, मगर ये इख्तदार रखने वाला अपना गला कटा देता है, और सिर्फ अपना गला नहीं पूरे कुनबे का गला कटा देता है। आज 5 मुहर्रम हो गए, आज 5 मुहर्रम हो गए। आशिकान हुसैन को मुहर्रम का क्या बेचैनी से इंतज़ार रहता है? मुहर्रम आएगा तो इमाम के लिए फर्श अज़ा बिछाएंगे, मजलिस मुनाकिद करेंगे, मौला के ज़िक्र की सआदत हासिल करेंगे। और देखिए कितनी तेज़ी से मुहर्रम आता है और गुज़र जाता है। आज 5 मुहर्रम हो गई। आज उमूमन अज़ा ख़ानों की तहज़ीब के मुताबिक तज़किरा होता है उन 2 बच्चों का जिनमें से एक का नाम औन है और एक का नाम मुहम्मद है। ये बच्चे गैर मामूली बच्चे हैं, ये बच्चे गैर मामूली बच्चे हैं। ये नौजवान, ये नौखेज, ये बच्चे गैर मामूली हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने जाफर तैयार के बच्चे हैं। ये बच्चे जनाब ज़ैनब बिन्त फ़ातिमा के बच्चे हैं। अब वो तारीख़ी इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, लेकिन मुअतबर कौल नक़ल कर रहा हूँ, दोनों बच्चे औन भी मुहम्मद भी बीबी ज़ैनब के बच्चे हैं। मदीने से जब चली हैं बीबी तो साथ में इन बच्चों को लेके नहीं चली थी, ये बच्चे बाप के पास थे। और उसके बाद जब इमाम अलैहिस्सलाम ने मक्का छोड़ा और करबला की तरफ राही हुए और ख़बर पहुंची जनाब अब्दुल्लाह इब्ने जाफर तैयार को कि हज़रत अबू अब्दुल्लाह फ़र्जंद रसूल करबला की तरफ रवाना हो गए हैं, तो फौरन अपने इन दोनों बच्चों को भेजा, जाओ हुसैन के साथ, जाओ मामू के साथ, हमारी नियाबत करना। ये दोनों बच्चे अब अपने मामू के काफ़िले में शरीक करबला तक पहुँचे। आशूर की शब तमाम माएँ अपने बच्चों को रात भर सजाती संवारती, हौसला है करबला की माओं का, क्या हौसला है, क्या मर्तबा है, क्या मकाम है। एक एक माँ अपने बच्चे को सजा रही है, संवार रही है, कल तुम्हें शहीद होना है, कल तुम्हें आका अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन पर कुर्बान होना है।
मोहम्मद को जनाब ज़ैनब आमादा कर रही हैं और सुबह आशूर नमुदार हुई, सिलसिला शहादतों का शुरू हुआ। सिलसिला शहादतों का शुरू हुआ, अस्हाब बहुत से अस्हाब हमले उला में शहीद हुए। उसके बाद दस्त बदस्त जंग शुरू हुई, एक के मुकाबले में एक जाता रहा, मुबारस तलबियाँ होती रहीं। लेकिन चंद शहादतें ऐसी हैं जिन पर हुसैन खुसूसी तौर पर आपकी तबीयत मुनकलिब हो गई। हर शहादत का सदमा उठाते थे, हर शहादत मौला के लिए गरां थी, मगर बास शहादतें ऐसी हैं जिस पे सरकार बतौर ख़ास मुनकलिब हो गए हैं, और बास ऐसे फिदिये हैं कि जिनको मैदान में भेजते वक्त भी आका की कैफियत मुतगैर हो गई है। तारीखों में है, अरबाब मकातिल ने लिखा है, बास शहदा ऐसे हैं जिनको मैदान की तरफ जाने की इजाज़त देने से पहले आका अजीब कैफियत से गुजरे हैं। मसलन उनमें से एक जनाब कासिम की शहादत है, जनाब कासिम के लिए तारीख में ये है, हुसैन जैसा साबिर, लेकिन जनाब कासिम ने जब कहा अम्मू जान मुझे मरने की इजाज़त दे दीजिए, मुझे जिहाद की इजाज़त दीजिए, तो भतीजे को सीने से लगा के इतना रोए कि दोनों पर, चचा और भतीजे दोनों पे गशी की कैफियत तारी हो गई। ये खुसूसी अंदाज था रुखसत का। जनाब अली अकबर को जब रुखसत किया तो भी कैफियत मुख्तलिफ थी, जनाब अब्बास को रुखसत किया तो भी एक ख़ास कैफियत थी, जनाब औन व मोहम्मद को जब जनाब ज़ैनब ने भेजा है तो भी हुसैन की कैफियत मुतगैर हो गई। उस वक्त तक इजाज़त नहीं दी जब तक ज़ैनब ने पुकार के ख़ुद नहीं कहा, भैया मेरा नजराना कबूल कर लो। आका ने ये नजराने कबूल किए, एक के बाद एक गया, पहले औन गए, बेपनाह जंग की शहीद हुए, फिर मोहम्मद गए बेपनाह जंग की शहीद हुए, और उसके बाद दोनों भांजों को लेने के लिए हुसैन खुद गए। बस एक जुमला अर्ज़ करता आया हूँ अक्सर, तकरीबन हर साल ये जुमला कहता हूँ आपके सामने, इन दोनों बच्चों के लाशें लेकर जब हज़रत खैमे में आए हैं तो अजब कैफियत थी। कैफियत ये थी कि दोनों बच्चों के लाशों को खैमे में लिटा दिया, इधर उधर नज़र डाली, देखा ज़ैनब नज़र नहीं आ रही, दोनों लाशों के दरमियान लेट गए, और एक मर्तबा इधर रुख करते थे औन को सीने से लगाते थे, अपना रुखसार औन के रुखसार पे रखते थे, एक तरफ इधर मुड़ते थे मोहम्मद को सीने से लगाते थे, अपना रुखसार मोहम्मद के रुखसार पे लगाते थे, कहते थे बुलाओ ज़ैनब को बुलाओ ताकि मैं बता दूं नजराना कबूल हो गया। मामू पे फिदा।